गुजरात टूर के इस एपिसोड में हम लोग आ पहुंचे हैं एक खास कला की जगह पर जिसको कहते हैं रोगन आर्ट, और इस कला के लिए गुजरात की यही जगह प्रसिद्ध भी है। तो चलिए मिलकर देखते हैं इस अनोखे कलाकृतियों को। हेलो दोस्तों, मैं अनुश्री, एक सोलो ट्रैवलर, और मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए मिलकर देखते हैं रोगन आर्ट को। कास्टर ऑयल आता है नारंगी का तेल, उसको बॉइल करके जेली बनाते हैं, फिर उस जेली के अंदर पत्थर के पाउडर, पिगमेंट पाउडर मिक्स करके अलग अलग कलर्स बनाते हैं, और ये सारे कलर्स पानी के अंदर रखे गए हैं, सूख ना जाए इसीलिए। ये स्टील का रोड है, उससे ये कलर हाथ पे आता है, और हाथ पे हाथ की गर्मी से ये कलर सॉफ्ट होता है। ये कलर कितना दाम है? कौन सा? ये वाला वो पर्पल जो है बड़ा, वो 6 दिन में कंप्लीट हुआ है। हाँ। वो 3,500 का प्राइस। हाँ, 3,500। इस तरह ये कलर सॉफ्ट होने के बाद इस कलर में से ऐसा वायर बनता है, और रोगन आर्ट ओनली कपड़े पे ही होता है। रोगन आर्ट का मेन खासियत ये है कि कपड़े पे पहले कुछ ट्रेस नहीं दिया है, उस पर विदाउट ट्रेसिंग बना है। 3,500 कोया नहीं लगे यहाँ पर? ये गला था रही है, कोई ले नहीं सकता? একটু চুপ করো, সবাই সব আলাদা আলাদা শুনো না কেন? হ্যাঁ সব আলাদা, একটু বকো কম, বারণ করছি না। 1200 वाला भी रहेगा, 1200 का। ये कलर का है? हाँ, बहुत सही है रंग है। हाथ आपको मतलब वो रंग को ये रंग हो जाए कि नहीं जाएगा? नहीं, नीचे फिंगर का सपोर्ट है, उसके सपोर्ट से ये कलर कम रेट पे ऊपर चेक कर। नीट पेंटिंग है, वो कनेक्टर मेरी नीट पेंटिंग को ही कोई भी और को कनेक्ट टाइम लगता है, लेकिन ये प्लास्टिक जैसा है कलर। कपूर भाई का बोला ये है, ये उठिए पता लगा था ना, ये कोई दिन ये कपूर भाई में ये कलर आपको 3D दिख रहा है, और ये फ्लैट दिखता है, उसको फ्लैट करके दिखाता हूं। रिबिट का है कलर है ना? ना कलर्स भी हम खुद ही बनाते हैं। एरंडी का तेल आता है ना, कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल से बॉइल कर पिगमेंट पाउडर, पत्थर के पाउडर मिक्स करके अलग अलग कलर्स का आउटलाइनिंग को इस तरह ऐड किया जाता है। तो ये एम्बॉस कलर फ्लैट हो जाएगा, और कलर अच्छा एम्ब्रोसिंग टाइप है। ये हुआ ओनली आउटलाइनिंग का है, आपको आउटलाइनिंग वगैरह कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये खोल दे, देखो जींस का तो की हमें बोल रहे ये रोगन आर्ट का फेमस डिजाइन है, वॉल हैंगिंग का ट्री ऑफ लाइफ। ये कंप्लीट पीस नहीं है, ओनली आउट लाइनिंग है। जैसे ये हाफ बना है, और इधर टू मिलीमीटर। अच्छा, ऐसे करते हैं। इसका टाइम लिमिट रहता है, जैसा कि ये हाफ दो घंटों के अंदर बनाना ही पड़ेगा, कंप्लीट करना ही पड़ेगा 2 घंटों के अंदर। ये हाफ ये सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो उसका मेरा इमेज नहीं होगा। उसका कंप्लीट पीस ऐसा बनेगा, ये 1 घंटे का वर्क है ओनली, ये कंप्लीट होता है 3 घंटे। इसके अंदर आप जो आउटलाइनिंग खाली दिख रहा है, उसमें जो फिनिंग होगा वो दोनों साइड इंडिविजुअली अलग से करना पड़ेगा। एक छोटा नक्शा बना के दिखाइए, छोटा क्यों नक्शा? हाँ हाँ, देखे ना, देखे नक्शा पाना बेटा। आप भी कोलकाता से? हाँ, सब सब एक साथ में, एक साथ में तो रोगन का हिस्ट्री बताइए। इस आर्ट को रोगन आर्ट बोलते हैं, और इसके जो कलर्स हैं हम खुद ही बनाते हैं। कैस्टर ऑयल आता है नारंगी का तेल, उसको बॉइल करके जेली बनाते हैं, फिर उस जेली के अंदर पत्थर के पाउडर, पिगमेंट पाउडर मिक्स करके अलग अलग कलर्स बनाते हैं। और ये स्टील का रोल से हाथ पे हाथ की गर्मी से ये कलर सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होने के बाद इस कलर में ऐसा वायर बनता है।
रोगनाट ओनली कपड़े पे ही होता है, रोगनाट का मेन कि कपड़े पे पहले कुछ ट्रेस नहीं किया है उस पर विदाउट ट्रेसिंग। डिजाइन के लिए कुछ मिले गई हैं रोगनाथ में टोटली टू टेक्निक से वर्क होता है। जैसे ये फर्स्ट मैंने आपको दिखा है आउटलाइनिंग का वर्क है। आउटलाइनिंग जो अभी मैंने ये फ्लावर्स बनाए हैं, ये कलर आपको 3D दिख रहा है और ये फ्लैट दिखता है, तो आउटलाइनिंग को फ्लैट किया जाता है। एम्बॉस जो कलर है वो फ्लैट हो जाएगा और कलर 50-50 हो जाएगा, सेम टू सेम इसका मिरर इमेज हो जाएगा करना पड़ेगा। आर्यन का रोड छोटा और पॉइंटेड रहेगा। जैसे आप इसमें नज़दीक से देखेंगे ना तो जितनी भी आउटलाइनिंग है उसके ऊपर व्हाइट कलर के बारीक डॉट्स किए गए हैं। काज तरह फिट है, काज तरह मैंने पूरे देखा अच्छा लगता था। इधर कौन पूरे पॉइंट पूरे एकदम से थोड़ा सा पॉइंट का तो पॉइंटर काज कुछ था। তুমি দেখলে ভাববে এমব্রয়ডারি কাজ হচ্ছে, মানে সেলাই করা হয়েছে। থোড়া কালার লেকে থোড়ে ডটস বানেঙ্গে, ওয়াপিস কালার লেনা পড়েগা। ये फीलिंग वर्क है, वो जैसा ही है वैसा ही रहेगा, इसको फ्लैट नहीं करते, वो दोनों साइड इंडिविजुअली अलग से करना पड़ेगा। हाथों में ऐसा वी शेप बनाते हैं, इधर चाप भी ना रखी, इधर जो रखूँ मुझे सिर्फ वही था। अभी मेरे पास जो सेल के लिए मैं आपको इधर ही दिखा देता हूँ। रोगनाथ में जो अभी हमारा 90% में सेल हो रहा है तो ये वॉल हैंगिंग में जी